चलो बोलो। 21st 21st cos स्क्वायर 33 cos स्क्वायर 57। नहीं करने का ना? करने का है, करना नहीं सर। है। ठीक यस सर। है, cos स्क्वायर 33 माइनस cos स्क्वायर 57। तुम्हें को होमवर्क क्या दिया था मैंने आज का? कुछ भी नहीं दिया था। स्टेट बोर्ड का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दिया था। ठीक है, ये वैल्यू निकाले ना, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी कर दो तो तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी करोगे तो कितना आ रहा है? जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। देखो ना, ये कॉस स्क्वायर 33 माइनस साइन स्क्वायर 33 लिखा है, दिखता है सर? पे कॉस स्क्वायर ए माइनस मुझे लगा दिया की वैल्यू लगाएंगे। हाँ, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो ये आ जाएगा कॉस 66। अरे हाँ ना, यस सर। अब क्या करें? तो मैंने एक्चुअली थोड़ा इसे अलग मेथड से किया है सर। ओ, अब रुको, अभी इसके बाद क्या कर सकते हैं बताओ कोई? आपको साइन ए माइनस साइन कॉस भी मालूम होता है क्या? नहीं ना, आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या? नो सर। डोंट हैव एनी साइन 21 माइनस वो कॉस 21 को साइन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। हाँ, साइन 21 माइनस कॉस 21 को क्या लिख सकते हो? साइन 69 चलेगा ना बेटा? यस सर। अभी ये कॉस 66 साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है? टू साइन 21 माइनस 69 बाय 2 कितना आएगा? ट्वेंटी फोर माइनस के साथ आएगा ना, और क्या आएगा साइन के साथ? साइन 45। इतना क्लियर है क्या सर? आपने cos c माइनस cos d का आइडेंटिटी लगाया है। यस सर। मैंने ऐसे लगाया cos 45। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। अरे आपका माइनस साइन बाहर आया ना बस, है ना? है अभी cos 66 तो क्या लिख सकते हो? साइन 24 बाय 24 माइनस 2 साइन 24 इनटू कॉस 45। कितना क्लियर है? यस सर। यस सर। ये कट गया तो कितना आ गया आंसर? 1 बाय माइनस 2 1 बाय रूट 2 कितना आ गया? माइनस 1। इतना क्लियर है क्या सर? यस सर। मुझे माइक्रोफोन बदलने दो, आवाज नहीं आ रही इसमें, डिस्चार्ज हो गया सर। अरे डिस्चार्ज है क्या? देखना कितना पड़ जा जाए। हाँ हेलो, अभी आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना फिर तो? यस सर। अरे हेलो भैया, सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है, बाय द वे इसको ना अपन ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते, देखना एक इंटरेस्टिंग चीज। कॉस 66 है ना, ये साइन 21 है
माइनस कॉस 21 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 बाई रूट टू और रूट टू दिया, ठीक है। तो ऊपर में क्या, तो ये कॉस 66 है और यहां पर रूट टू है, और अब इस वाले 1 बाई रूट टू को साइन 45 कॉस 45 ये समझ में आ रहा है मेथड क्या? साइन 21, यस सर। यहां तक कर दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, कॉस 56 बाई रूट टू साइन 21 माइनस 45 चमका, दिस इज कॉस 56 रूट टू माइनस साइन 24। क्लियर है क्या? ये भी कट गया। दोनों मेथड क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी कर लीजिए, जो भी डाउट है पूछिए, यूनिट इसका पर्पस सिखाना है आपको। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, और बोलो, जो भी डाउट है ये सारे क्वेश्चन नोट्स में कर लिया करो एग्जाम के बाद ना, ये सारे जो होते हैं यूनिट वाले क्वेश्चन नोट्स में कर लिया करो अच्छे से। 24 22 23, नो डाउट सर। 23 बेटा, 24 करना है बेटा। ये तो 2-3 बार कर लिया अपन ने। 5 alpha = 3 alpha + 2 alpha, राइट। तो tan ऑफ 5 अल्फा क्या होगा? tan ऑफ 3 अल्फा प्लस tan ऑफ 2 अल्फा बाई 1 माइनस tan 3 अल्फा tan 2 अल्फा। मल्टीप्लाई कर दो यहां पे, tan 5 अल्फा माइनस tan 5 अल्फा tan 3 अल्फा tan 2 अल्फा इज इक्वल्स टू tan 3 अल्फा प्लस tan 2 अल्फा। तो tan 5 अल्फा tan 2 अल्फा प्लस tan 3 अल्फा माइनस tan 5 अल्फा बाई tan 5 अल्फा tan 3 अल्फा tan 2 अल्फा इक्वल टू माइनस 1। क्लियर है क्या? ये तो पहले भी किया है ना, बार बार ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है सर, किया है ये क्वेश्चन। कॉपी करिए आगे। कॉपी कर लिए? 25
सर 22 करो ना, मेरी ये नेटवर्क इशू हो रहा था तो अब माइक नहीं ऑन हो रहा। अरे शिवान यार तुम क्या पूछते हो बेटा, देखो सिंपल तो है, कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा तेरे को बेटा। अगर तूने 2 यहाँ दिया और तूने 2 इधर दिया, तेरे को फॉर्मूला नहीं दिख रहा ना अभी भी? हाँ सर दिख रहा है। हाँ वो फिटेंस का फॉर्मूला ना लाइक कौन सा फॉर्मूला है रे? 2 tan a by 1 plus tan square a, कौन सा होता है? 2 tan a by 1 plus tan square a, sin 2a होता है ना बेटा। तो वहां पे बस sin 15 डिग्री की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी ना, आपने जो एक दिन पहले बताई थी। नेक्स्ट बोलो, पूछो पूछो पूछो। 25 करना है किसी को? सर हो गया सबका, कांट बिलीव यार, पॉज मयूरी 25 हो गया है। मयूरी जोशी मयूरी जोशी, अरे किसी और के कान में आवाज जा रही है क्या मेरी? यस सर ठीक है भाई। कैसे किसी का हुआ है क्या ये क्वेश्चन? नो सर। फिर कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? विधान तुम्हारा हो गया है क्वेश्चन ये? यस सर। जस्ट अ मिनट, आप बताओ क्या अभी कैसे किया बता? यस सर जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन पेपर निकालना पड़ेगा एक बार। तेरे सामने क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन पेपर क्या निकालना है? नहीं सर, मैंने जो गलत हुआ था वो सामने रखा। ये टफ क्वेश्चन है। अरे यहां तक क्लियर है? यस सर। अभी क्या होगा? तो रूट थ्री को हम यहां तक क्लियर है? इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट्स अ टफ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को, सुनो अब। अरे आवाज आ रही है? मेरी आवाज खराब आ रही है क्या? सर आ रही है। ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को हमेशा आप ये कर सकते हो, डिवाइड बाय अंडर रूट, डिवाइड बाय अंडर रूट, बोलो भाई। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों किया, क्या किया छोड़ो, क्यों किया बताता हूं, ठीक है? क्या किया क्लियर है? अभी क्यों किया ये समझो, ये जो क्वांटिटी है a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको साइन थीटा मान लूं, और मैं मान सकता हूं साइन थीटा, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ये 1 से छोटी है ना हमेशा, ये जो क्वांटिटी है इज ऑलवेज, बताओ क्यों, इज ऑलवेज बिटवीन -1 से 1, बताओ क्यों? a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 से 1 के बीच में क्यों होगा? a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 से 1 के बीच में क्यों होगा बताइए? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। अरे नहीं भाई, वो तो वो है इसलिए साइन थीटा है, पहले ये चीज लिखी ना मैंने, पहले ये लिखा है, बताओ ये -1 से 1 के बीच में क्यों होगा हमेशा? a बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1 से 1 के बीच में क्यों होगा?
नहीं पता। अरे सोचो ना, कोई भी नंबर लेके देखो ना, ए का और बी का, अपने आप आएगा। सोचो क्यों हो रहा है, दिख जाएगा तुम। दो तीन एग्जांपल लो मन में खुद से, ऐसा नहीं कि पता होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन से आएगा। करो ना, दो तीन नंबर लेके करो, दिखेगा। जो ए होगा तो वो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो हाँ उसका वैल्यू वन से ज्यादा और माइनस वन से कम नहीं आ सकता। अरे सिंपल से, हाँ सही कह रहे हो ना। अरे ऊपर में ए है ना, ए को ले लो ना, ए को कुछ भी मान लो, ए को थ्री लोगे, नीचे में तुम डिवाइड किससे कर रहे हो, थ्री का स्क्वायर प्लस कुछ, थ्री स्क्वायर में कुछ ऐड किए हो और उसका रूट लिए हो ना, तो ऑब्वियसली वो थ्री से तो बड़ा ही होगा ना, इसलिए मैं उसको क्या ले सकता हूँ, साइन थीटा। ऐसे ही बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस थीटा। ये बात चमकती है। आप देखो दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों को स्क्वायर करो, वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे। अरे दोनों को स्क्वायर करो, वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ ना यार। यार भाई हद हो गई यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वन नहीं आ रहा है कि आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है सर। एनीवेज मतलब मैंने बता दिया ये बस आपको, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो ऊपर वाले एक्सप्लेनेशन में, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस एक्स, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा कॉस एक्स, चमक रहा है, प्लस बोलो कॉस थीटा साइन एक्स। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड, फॉर्मूला बन गया ना ट्रिग्नोमेट्री का, यही सेम चीज तो मैंने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई की थी 45 वाले में, ध्यान आ रहा है? एनीवेज आप तो ये ध्यान रखो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, तो आपको डिवाइड किससे करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेलो गाइस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए और ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट का वैल्यू कितना आएगा, टू आएगा, क्लियर है सर? बोलो भाई सर। और फिर से वो रूट थ्री बाई टू को साइन सिक्सटी लेंगे, रूट थ्री बाई टू को साइन सिक्सटी कॉस ट्वेंटी माइनस सिक्सटी साइन ट्वेंटी, कॉस सिक्सटी साइन ट्वेंटी। तो अभी ऊपर में क्या आ जाएगा, ट्वाइस साइन फोर्टी, साइन फोर्टी, और नीचे में साइन ट्वेंटी कॉस ट्वेंटी, है ना। अभी क्या लिख सकते हैं इसको अपन, फोर फोर साइन ट्वेंटी कॉस ट्वेंटी डिवाइडेड बाय साइन ट्वेंटी कॉस ट्वेंटी, चमका गया। और डाउट नहीं पूछो, कहे सीखोगे भाई सर? तो आपने वो जो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला बताया सर, मैंने वैसे नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उसे टू बाय टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैसे भी चलेगा ना? हाँ, तो डायरेक्टली डिवाइड मल्टीप्लाई डायरेक्टली किया, बट वो एक होना चाहिए ना, क्यों कर रहे हैं? यस सर, ठीक है। ये पेपर तो टफ था ना ये वाला, तो सर बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी था। कॉपी कर लिए? नो सर।
अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस भाई, नोट्स में कॉपी करना, ठीक है? कॉपी कर लिए? यस सर। ये सारे क्वेश्चन देखो क्या होता है, ये क्लास में टाइम कम होता है, ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू भी चीजें सिखाने का प्रयास रहता है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस को नोट्स में कॉपी कर लिया, हर एग्जाम के बाद, यूनिट टेस्ट के बाद नोट्स में क्वेश्चंस कर लिया करो मैथ्स के। आगे बोलो जी। मयूरी बेटा क्लास में है कि नहीं है आप? यस सर हूँ। आगे बोलिए, डाउट है तो किसी को पूछिए। 26 डाउट है, पूछोगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। 26 डाउट है कि नहीं है? नो सर, 28 है। 27 डाउट है कि नहीं है? नो सर। 27 हो गया है ना? यस सर, आपने ही कराया था एक बार क्लास में। आई थिंक क्वेश्चन ऐसे पूछना चाहिए कि 27 नहीं हुआ है ना, तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल टू आंसर। अरे 27 करना करूं? यस सर। ठीक है, कर देता हूं। और 26? नो सर। 26 भी करना है? यस सर। नो। cos 1 माइनस साइन 1, ये निकालना है ना बेटा? तो उस दिन बताया था मैंने आपको, साइन 1 कहां पे होगा, cos 1 कहां पे होगा, बताओ ये वैल्यू कहां पे है? यहां पर है ना। ये क्या है बेटा? पाई बाई 4, 0.78, चमका क्या? और ये वैल्यू कितनी है? 1 पॉइंट, अरे हेलो, तो 1 यहां पर है ना, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। तो 1 यहाँ पर है ना, तो 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? 1, cos 1, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट है बोलो रे? 1, sin 1, कौन बड़ा है? साइन वन बड़ा है किससे? cos 1 से। समझे क्या? That means f of 1 क्या होगा? नेगेटिव होगा। Negative. ये बात समझ में आती है? Yeah. अरे हाँ, हेलो ना, कुछ तो बोलोगे। इसको ऐसे yeah, भी कर so. सकते थे, कैसे? cos 1 को चेंज कर सकते हैं ना हम लोग, किस में? साइन ऑफ, बोलो बेटा, पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस साइन। अभी बोलो 2 साइन, यार बहुत ज्यादा बुलवा रहे हो मुझसे यार, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, तुम लोग को मतलब ही नहीं है मैं सॉल्व करूं ना करूं, ऐसे नहीं होता ना यार। आप तो देखो पहले तो होमवर्क नहीं करते हो, मैं जान चली आती है मेरी होमवर्क कहने में। मैं सर में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है मत करो। कॉस क्या होगा बोलो? 5 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, ऐसा कैसे होगा फिर तो? 5 बाई कॉस, हाँ ठीक है, 5/2 - 1 + 1/2, चमका। तो अब ये क्या बन गया? 2 साइन 5/4 - 1 है ना, और cos 5/4, ये बात चमकती है? यस सर। पता नहीं दोस्त, अब मुझे बताओ ये साइन के अंदर में, अब बताओ ये चीज कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल होगा? चमक रहा है, पाई बाई 4 कहाँ होता है? पाई बाई 4 क्या होता है? पाई बाई 4 क्या होता है? अरे पाई बाई 4 क्या होता है? 0.78 ना? यस सर। अरे 0.78 या 0.70 ऐसा ही होगा ना? यस सर।
तो इंटू वन बाई रूट टू, चमक रहा है आपको, फील आ रही है कि साइन के अंदर में क्या है, माइनस पॉइंट टू टू ना। आप तो ग्राफ बनाया नहीं आपने ईमानदारी से, क्या ही समझोगे पता नहीं। साइन पॉइंट टू चमकता है, और साइन पॉइंट टू टू क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। अरे बात चमकती है, मैं क्या ही बोल सकता हूँ भाई, चमकती है कि नहीं चमकती है, चमकती है सर। ठीक है यार, अभी भी वक्त है यार, अभी इस टेबल का होमवर्क दिया है, वहां से ही करना शुरू करो, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ तुम्हारा, पढ़ लेना जरूरी है। कॉपी कर ली है? नो सर। कॉपी कर ली है? यस सर। रब करें? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी कौन सा करना है बताओ? 28 जानते हो, आधे 45 मिनट बीत गए, इसी में टाइम पास हो गया, कौन सा करना है, कौन सा करना है? 28 10 बार करा चुका हूं, हर बार सेम क्वेश्चन, मैंने बोला है ना एंगल्स को ऑब्जर्व करो, इसमें किसी एंगल्स का सम पाई वाई नहीं है क्या? कुछ एंगल्स का सम पाई बाय 7 और cos 6 पाई बाय 7 का है, फिर एक बार किया है, दो बार किया है, तीन बार किया है, 10 बार, बहुत बार किया है ना क्वेश्चन, तो अब तो ये और ये एंगल का सम कितना है, यू हैव टू लर्न, इन दोनों सम एंगल का सम कितना है, cos पाई, पाई पाई है ना, उसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस पाई बाय 7 ना, कितना हो गया ये मयूरी, माइनस cos पाई बाय 7। यस सर। ये क्या है cos, तो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, cos पाई, अरे यार पढ़ते नहीं होगा तुम लोग यार, पाई मतलब, अरे यार मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, अरे पाई ये क्या बन जाएगा, मैं देखो मैं बता रहा हूँ बट तुमने से किसी को समझ में आ नहीं रहा है, ठीक है, माइनस टू पाई बाय सेवन, माइनस टू पाई बाय सेवन मैं पढ़ा दूंगा बट तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, वैसा हो गया, मतलब पागल हो जाऊंगा मैं ऐसे, तो ये लास्ट टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आया था ऐसा, मैं कुछ नहीं आइडिया है, एकदम ही महामूर्ख हो गया, क्या करते हो बेटा, हल्का सा ट्राई तो करो, अभी देखो ना 3 पाई बाय 7 प्लस cos 3 पाई बाय 7 तो 0 हो जाएगा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बचा, अरे क्लियर है क्या? यस सर, यस सर। ठीक है, पहली बार कर रहे हैं, मुझे यही नहीं पता है यार, मतलब सर ऐसा एक क्वेश्चन था पर मैंने सर एक्चुअली वन नहीं देखा उधर, एक नहीं रे 10 बार कराया था क्वेश्चन ऐसा, 1 प्लस cos 10 cos 20 ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ आप लोगों ने नोट्स में क्लास में, किया है। पढ़ाई कर नहीं रहे हो यार तुम लोग, फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से, कह रहा हूँ पढ़ लो, तो ठीक है कॉपी कर लो यार, मैं
आधे घंटे से डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तुम लोग की जान खा रहा हूँ, तुम लोग की हिम्मत निकल रही है बोलने की। अब तुम्हारे फैकल्टी होता ना, दो मिनट में डिस्कस हो गया, तुम लोग डाउट बोलोगे नहीं, पूछना ही नहीं तुम लोग को। 29 करना है क्या? नो सर। 29 हो गया है, कैसे किया है मयूरी? सर नहीं हुआ है, नहीं हुआ सर। मैं आवाज ही नहीं पहचान पा रहा मयूरी की, बोली ही रही है, जब पूछ रहा हूँ गायब हो जा रही है। नहीं सर हूँ यहाँ। ए बी सी डी सेमी सर्कल में है, क्वाड्रिलेटरल। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर क्या होता है बताओ? थीटा वन प्लस थीटा थ्री 180 करना है क्या किसी को? तुरंत बोला है ना, 30। 10-25 में चेंज करना है सिस्टम को। तो अभी न्यूमरेटर में 10 180 प्लस 25 लेंगे। yes, sir. 10 180 प्लस 25, ठीक है, वो क्या होता है? -10 25। आई होप चमकता होगा। यस सर। थैंक्स सर। ठीक है, और 10 115 को लिख देंगे माइनस प्लस कॉट 25। ना यू नीड टू नो यार, मैं कितना से मैं पागल ही हो जाऊंगा। यस सर। 10 245 कितना होगा? 270 माइनस 25, तो ये हो जाएगा ऑल साइन थर्ड क्वाड्रेंट है ना, हाँ, तो हो जाएगा कॉट 25 और ये हो जाएगा माइनस 10 25। अभी 10 25 ए दिया हुआ है ना, तो फिर बाद में इसे डायरेक्टली ये करना है, इक्वेट करना है। गलती कहाँ करी है मैंने? हाँ 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 कर दिया, 1+a² है, कर दिया, ठीक है, आ गया आंसर। अरे क्लियर है क्या? अब तुम ये बताओ मुझे, 10 क्वेश्चन डिस्कस करने में तुमने 45 मिनट लगा दिए, इससे अच्छा तो मैं बिना तुमसे पूछे हुए 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होता। आपको समझ में आ रहा? आपने मेरा आधा घंटा खराब कर दिया है। सॉरी सर। यार सीधा बोल, डाउट है डाउट है तो यार, मतलब मैं पूछे जा रहा हूँ, 15 बार पूछता हूँ तो एक बार आप उत्तर देते हो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार।
कॉपी कर लिया क्या? यस 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 सर एक डाउट था बोलो सर अगर ऐसा जो अभी एन सेवन एंड हाफ वाला क्वेश्चन आया था ना उसमें अगर हमने डायरेक्ट मतलब अगर सब्जेक्टिव लिख रहे हो एग्जाम उसमें डायरेक्टली हमने साइन 15 की वैल्यू विदाउट वो सब कैसे फाइंड किया वो दिखाए बिना सब कुछ लिख दिया तो चलता है ना? नहीं साइन 15 स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता है कोई ठीक है और क्या था होमवर्क स्टेट बोर्ड का चैप्टर 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 हाँ भाई बोलो मैं टाइम पास नहीं करूंगा तो एक्सरसाइज 1.2 में डाउट है यार इसमें सब 1.1 ठीक है 1.2 बोलो सर क्वेश्चन नंबर 5 Two arcs of same length. ठीक है ना आर्क टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ तो अगर एल होता है तो रिलेशनशिप क्या होती है वो रिलेशनशिप होती है ना यहाँ पर सर रेडियन फाइंड करने का वो आपने दिया था वो वाला भाई यहाँ पे को रिलेशनशिप होती है ना यार एल बाई आर इक्वल टू थीटा थीटा एल इज इक्वल टू आर थीटा वेयर थीटा इज इन अरे तुमको सेक्टर की लंबाई पढ़ के नहीं आया और दसवीं में क्या होता है सेक्टर का लंबाई यार पाई बाई 180 इंटू था ना कुछ तो ये नहीं पढ़े हो तुम लोग यस सर तो पढ़े हाँ फिर क्या होगा उसने क्या बोला ओ एल इज इक्वल टू एक का रेडियस आर वन है और एंगल कितना है 60 डिग्री और वो कन्वर्ट कर लो उसको रेडियन वगैरह में ठीक है अंतर नहीं पड़ता है ना सेम ही कांस्टेंट रहेगा पाई बाई 180 ठीक है और दूसरा क्या रहेगा R2 into 75 pi by 180 है ना दोनों को बराबर करेंगे तो R1 by R2 मिल जाएगा सर आगे बोलो भाई मिसलेनियस एग्जांपल में सेकंड वाले का 8-1 अरे घड़ी वाले क्वेश्चन तो बुक से ही देख के कर लो यार क्या कह रहा है ये सिंपल सी बात है देख ऐसा समझ सिंपल सा एक ऐसा मोमेंट है जब तेरी घड़ी में लेट से 12 बजा है चमक रहा है यस सर अब जब
एक मिनट होगा, एक मिनट होगा, उस एक मिनट में क्या होगा? जब एक मिनट होगा तो उस एक मिनट में क्या होगा, ये बताओ। नहीं समझ रहे? ये यार ये एमए वाले क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका आवर हैंड हो गया और ये आपका बड़ा हो गया, है ना? अब बताओ मुझे एक मिनट में क्या होगा? मिनट हैंड है, होगा चेंज होगा। मिनट हैंड जो होगा चेंज होगा, वो कितना एंगल बनाएगा? हाँ, वो कितना एंगल बनाएगा भाई? मिनट का मतलब क्या होता है? 360 by 60। हाँ, तो वो जब मिनट हैंड मूव करेगा तो वो कितना एंगल बनाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ किससे। मैं बस मैं आपको आवर हैंड नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इस ओरिजिनल पोजिशन की बात कर रहा हूँ। अरे आपका ये जो मिनट जो आवर वाला हैंड होगा वो भी तो थोड़ा आगे गया होगा ना, नहीं जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा। 6 डिग्री एंगल बनाया सर। भाई ये भी थोड़ा जाएगा ना आगे, हाँ, और ये वाला भी थोड़ा जाएगा ना आगे, हाँ या ना? तो मैं आपसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ओरिजिनल पोजीशन से 11 to 12 30। हाँ, तो अब मुझे बताओ, मैं बस तुमसे ये पूछ रहा हूँ जो ब्लू वाला एंगल है वो कितना हुआ, ये पूछ रहा हूँ तुमसे। 60 डिग्री। कैसे? ये वाला एंगल 6 डिग्री कैसे है बताओ सर? टोटल 360 डिग्री और एक मिनट में 60। हाँ, कितना आ गया? 6 डिग्री, समझा गया? तो ये एंगल कितना हो गया? 6 डिग्री। ओके, यस सर। अब मुझे बताओ ये लाल वाला जो है वो कितना मूव किया होगा और क्यों? जीरो पॉइंट फाइव डिग्री। क्यों? तो क्योंकि वो एक मिनट में 60 ये होता है, तो वो हम 60 ले लेंगे और फिर वो 30 मतलब मूव करता है, तो दिया है 5 डिग्री 30। नहीं तो हम मैं तुमसे वही तो पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे वही जानना चाह रहे हो ना, मैं तो वही तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि जब अभी लाल वाला जो है वो कितना मूव किया है। तुमने यहाँ पे एक लॉजिक बताया है ना, वैसे लॉजिक बताओ मुझे कि लाल वाला कितना मूव किया होगा अपने पोजीशन से। लाल वाला जो घंटा होता है वो 5 डिग्री मूव कर, वो कितना मूव करता है? अरे वो 5 डिग्री मूव करता है ना 60 मिनट में, है ना? यस सर। 60 मिनट में कितना मूव करता है वो? 5 डिग्री। आवर हैंड, मैं आवर हैंड में घूल गया। आवर हैंड जो होता है वो 60 मिनट में, हाँ 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 सही कह रहा हूँ मैं, है ना? तो 60 मिनट में कितना घूमता है वो? 5 डिग्री। तो एक मिनट में 0.2.5। एक मिनट में हाउ मेनी डिग्री? 0.5। कहाँ से आ रहा हूँ समझ नहीं पा रहे हैं। 5 by 60 degree ना? Yes sir। अरे बिल्कुल पढ़ाई मान नहीं कर रहा मुझे आप लोग, यार आप लोग कुछ बोल रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे हो। बोलो यार। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है?
ठीक है आप भी बैठे रहो हम भी बैठे रहे, आज तुम नहीं बढ़ूंगा आगे, आप नहीं बताओगे मैं बैठे रहूंगा, बाहर में जाओ। मतलब इतना थोड़ी ना मूर्खता हो जाती है यार, इतना थोड़े को डम्ब हो, इतना आप डम्बनेस दिखा रहे हो, इतना थोड़े को डम्ब होता है यार। पक गया मैं तो बिल्कुल आप लोगों से, बिल्कुल पक गया मैं। सर हावर हैंड को करने के लिए 720 मिनट्स लगेगा ना, और वो टेल दिया है वहां पे, तो सर वो 1 मिनट में तो हावर हैंड 60/720 से 0.5 डिग्रीज आ रहे हैं। 60/720 होते ही तुम्हारा 0.5 का शेयर में समझ रट रखते हो क्या एक चीज को, 0.5 तो हर चीज का 0.5 कैसे आ रहा है मेरे को बताओ। यहाँ पर क्या आवर हैंड 60 मिनट में 5 डिग्री घूमेगा कि नहीं घूमेगा ये पूछ रहा हूँ। यस सर घूमेगा 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 सर। तो एक मिनट में आवर हैंड कितना घूमेगा? 5/60 बोले जा रहे हो, क्या 0.5 बोल रहे हो? सर मुझे लगा सर फाइनल आंसर का पूछ रहे हैं, मुझे लगा ये हो गया फाइनल आंसर। क्या का फाइनल, फाइनल आंसर भी आया नहीं अभी, क्या का फाइनल आंसर, फाइनल आंसर तो नहीं आ रहा, फिर तो गड़बड़ हो गया है तो। क्योंकि इसका जो मिनट है और जो कैलकुलेशन वाला मिनट होता है वो दोनों अलग अलग होता है ना यार, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं ना उसमें। yes, तो ये तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे अभी। अभी ये आ गया 1/20 डिग्री आपके हिसाब से, 1/ कुछ भी कर रहा हूँ मैं, सब गलत सलत लिख रहा हूँ पता है, 1/12 डिग्री। अब क्या करें, ठीक है अभी तो 6 डिग्री में से 1/12 डिग्री माइनस कर दें। अरे 6 डिग्री ब्लू एंगल है और रेड एंगल इतना है, तो ब्लू वाला एंगल कितना आगे निकल गया है उससे एक मिनट में? 6-1/12 इससे आ रहा है क्या आंसर? यार तुमने होमवर्क तक नहीं किया, अजीब अजीब लोग हो यार। 71/12 आंसर थोड़ी ना आया है तो। अब क्या करें, आवर एंड 0.5 डिग्री मूव करता है सर, वो 1/12 तो रेशियो हुआ ना, 1/12 सर वो तो रेशियो होगा ना, मतलब पावर हैंड 1/12 तो 6 डिग्री कवर कर रहा है ना, आवर हैंड 6 डिग्री कवर कर रहा है। नहीं सर, वन आवर हैंड 1/12 ऑफ 6 डिग्री कवर कर रहा है, आवर हैंड 1/12 इनटू 6 डिग्री कवर कर रहा है ना सर। भाई तुमने, तुमको ये चीज क्लियर है कि 60 मिनट की आवर हैंड कब, आवर हैंड जो होता है ये आवर हैंड जो होता है जब ये 12 पे होता है और जब ये आवर हैंड 1 पे जाता है कितना एंगल मूव करता है ये? 0.5 डिग्री। एकदम ही बेवकूफ हो यार, एकदम ही बेवकूफ हो, एकदम न पढ़ते हो न पढ़ना चाहते हो, हॉरिबल। आई ट्राई टू मोटिवेट यू अ लॉट बट आप लोग समझने को तैयार ही नहीं, आप लोग कभी घड़ी नहीं देखी लगता जिंदगी। यहां से यहां जब आवर हैंड आता है कितना एंगल ट्रेवल करता है? 5 डिग्री है। कितना डिग्री है? 5 डिग्री है ये एंगल कितना है रे? 90 डिग्री। 90 डिग्री
कहां से गणित पढ़ के आओ यार, कितना एंगल होगा ये? 30 डिग्री भाई। जब बुक का होमवर्क दिया था, बुक से पढ़ना भी होता है, बेवकूफियत की लिमिट हो गई यार। यार आई एम नॉट पॉसिबल यार, मतलब मैं बहुत दिन नहीं पढ़ा पाऊंगा तुम्हारे बैठ, पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। मतलब आपको नहीं आता वो बुरी बात नहीं, आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। तो 60 मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री मूव कर रहा है? 5 डिग्री की 30 डिग्री 30 डिग्री आंसर आने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। तो एक मिनट में कितना मूव कर रहा है भैया? एक मिनट में कितना डिग्री मूव किया? 1/2 तो 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री कितना होगा? 5 डिग्री 30 मिनट्स 5.5 डिग्रीज है ना। अब इसको जो वो सिस्टम है उसमें करेंगे क्या बन जाएगा? 5 डिग्री 30 सेकेंड। ये बात चमकती है? Yes, sir. तुमने कभी घड़ी पे देखो यार, मतलब सोचो तुम लोग यार, मतलब क्यों होमवर्क करके नहीं आया यार? मैं सच्ची सी बताओ, कितने लोग होमवर्क करके आए हैं? सर वन आवर टू एक्सरसाइज किया है, मिसलेनियस। यस सर, मिसलेनियस नहीं किया, मिसलेनियस नहीं किया। चैप्टर टू आवाज ही नहीं आती, एक बंदा बोलता है दूसरा बंदा बकवास करता है। चैप्टर टू नहीं किया सर, मैंने तो नहीं किया है, मिस सेलानी वन को और चैप्टर टू नहीं किया। तो सेकंड का 2.1 किया, 2.2 नहीं किया है। हाँ सर, एक एक होगा। सर मैंने चैप्टर टू किया। जाओ यार कल आना वापस, नेक्स्ट क्लास में आओ, चैप्टर टू करके, चैप्टर वन और टू करके आया अच्छे से यार। बाय, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है, मजाक चला रखे तुम लोगों।